नमस्कार, मैं दिव्या पांडे आपका स्वागत करती हूँ नेशन लाइव आईपीटीवी पर। मैं आपको बताने वाली हूँ सीरियल से जुड़ी नई अपडेट। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में क्या हुआ है? यूं तो सभी बच्चे अपने माता पिता के फेवरेट होते हैं, पर बात अगर बेटियों की जाए तो बेटियां पापा की परी होती हैं। और कुछ इसी तरह स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में पाखी चली अपने पापा के साथ काव्या के घर। जी हाँ, एक बार फिर से वनराज ने छोड़ दिया है घर, पर अनुपमा भी अब वनराज की चाल को समझ गई है। वहीं अनुपमा वकील के पास जाकर तलाक के कागज बनवाती है, और अनुपमा वनराज शाना बनकर सिर्फ अनुपमा बनना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अब देखना यह है कि जब अनुपमा ये सब घर पर बताएगी तो घर वालों का क्या होगा रिएक्शन। अगला सीरियल है स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहते हैं एक बच्चा ही अपनी माँ की आहट को महसूस कर पाता है, कुछ इसी तरह स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की है। कायरव ने भी नायरा की हमशक्ल सीरत को मेले में देख लिया है। अरे नहीं, ये वो कुंभ का मेला नहीं है। दरअसल कायरव स्कूल के बच्चों के साथ मेले में जा रहा था और वहीं उसे मिल जाती है सीरत, और सीरत को देखते ही कायरव उसे गले से लगा लेता है, लेकिन सीरत उसे नहीं पहचान पाती और वहां से चली जाती है। अब ये बात कायरव को कार्तिक को बताता है। अब बात अगर नायरा की हो तो कार्तिक रिस्क नहीं लेगा और वो देखना चाहता है कि जिस लड़की से कायरव मिला है वो उसकी नायरा है भी या नहीं, या कोई और है। तो क्या होगा जब कार्तिक नायरा की हमशक्ल को देखेगा। बात करते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, अभी क्यों गा रही हूँ? क्योंकि सोनी सबके सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होने वाला है 26 जनवरी का कार्यक्रम। अब गोकुलधाम सोसाइटी कोई आयोजन करे और हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोकुलधाम सोसाइटी में 26 जनवरी का डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट गोकुलधाम के सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने दे दिया है, और यही नहीं टप्पू सेना ने भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो हंगामा तो होना ही है। तो किस तरह इस परेशानी का हल मिलेगा और महिला मंडल इस विषय में क्या करेगी, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब बात करते हैं जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य की। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में फाइनली अभी और प्रज्ञा की शादी हो चुकी है और गृह प्रवेश में आलिया सबसे बड़ा तमाशा दिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर और प्राची की भी शादी होने वाली है। अब जब वहां पर रिया पहुंचेगी तो तमाशा तो होना ही है, और रणवीर प्राची से सीक्रेटली शादी करने वाला है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्राची को जब पता चलेगा कि उसकी शादी रणवीर से होने वाली है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और रणवीर ऐसी कौन सी चाल चलेगा जो प्राची से सीक्रेटली शादी कर लेगा। कुछ ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़ी चटपटी खबरें सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव आईपीटीवी के साथ। धन्यवाद।